अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल कायनात की दुनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्लॉग, जिसमें हम आज अपनी फैमिली के साथ निकले हैं सी व्यू के लिए, और फिर आपको दिखाएंगे पूरे व्लॉग में कि उसके बाद हम कहां से कहां जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मौसूल होती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट आवर ब्लॉग। सबसे पहले तो हमें ये घोड़े नज़र आए गाइस। आई डोंट नो कि ये कहाँ जा रहे थे, लेकिन ये बहुत ही शाही लोगों के घोड़े लग रहे थे, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़े क्लिप्स बनाए हैं, आप लोग देखिएगा सी व्यू पे पहुंचने से पहले। और ये बड़ा ही प्यारा मौसम था आज, और आप लोग देख सकते हैं कि कुछ अंडर रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह तामीर हो रहा है यहाँ पे। और बहुत प्यारा मौसम था, जैसे कि एक सनसेट होने से पहले का जो मौसम होता है, जो व्यू होता है। और ये घोड़े दोबारा से आप देख सकते हैं कितने, मतलब इन लोग जो घोड़े पे बैठे हुए थे, इन लोगों की ड्रेसिंग कितनी रॉयल थी, और हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था इनको देख के। आई डोंट नो ये लोग कहाँ जा रहे थे, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये लोग कहाँ जा रहे थे और क्यों ऐसे जा रहे थे। बहुत ही, आप देख सकते हैं ये नज़ारों की भी मैंने वीडियो बनाई थी रास्ते में, कि कितना खूबसूरत लग रहा था। अब सी व्यू पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है, पिछली बार जब हम आए थे 5-6 महीने पहले, उसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब सी व्यू में जो है इन लोगों ने बाकायदा, ये चंकी मंकी था गाइस, चंकी मंकी भी रास्ते में पड़ता है, तो वो भी, हालांकि यहाँ जाते नहीं हैं हम, लेकिन ये भी बच्चों को इसका बड़ा पता है कि यहाँ पे रास्ते में चंकी मंकी भी आता है। और उसके बाद जो है जब हम वहाँ गए, तो वहाँ पे एक पार्क जैसा भी, मतलब कि आप देख सकते हैं कि बना दिया था काफ़ी ग्रीन ग्रीन वहाँ पे बैठने के लिए, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ वहाँ पे बैठी हुई भी थी जब हम गए थे, कि बीच से पहले एक पार्क टाइप का बना दिया उन लोगों ने। और आई थिंक ये मज़ीद अभी और बनेगा, ये पूरी तरह से ये सिटिंग अरेंजमेंट भी की है यहाँ पे, और इस तरीके का पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे देख सकते हैं आप, हम लोग यहाँ बीच में रास्ता है, यहाँ से फिर जा रहे हैं बीच की तरफ। हम लोग अब जा रहे हैं बीच की तरफ क्योंकि आगे बीच है और ये साइड में पार्क है, मगर अब भी अच्छी तरीके से नहीं बना, काफ़ी रश था। तो पहले तो हम यह गाड़ी में बैठे हुए थे क्योंकि इसमें बैठ के, मतलब के नज़ारे करना बड़ा मज़ा आता है इस कार में बैठ के, जो ये सी व्यू में पाई जाती है हमारे क्लिफ्टन सी व्यू बीच पे, और बड़ा मज़ा आया इस कार पे बैठ के। 100 रुपीज़ में जस्ट हमने जो है नज़ारे किए इसमें बैठ के। बहुत सारे सीशेल्स अनीजा, यहाँ तो बहुत सारे सीशेल्स हैं। छोड़ो, अब हम कैप्टन फरहान अली शहीद के पार्क में आए हैं। ये पार्क आई थिंक 2007 में बनाया गया था, और ये बिल्कुल इस रेस्टोरेंट क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ है,
और ये भी काफ़ी अच्छा और बड़ा सा मतलब कि पार्क है जो हमने आई थिंक तकरीबन एक साल पहले ही डिस्कवर किया था। उससे पहले हम कभी इस पार्क में आते नहीं थे। हालांकि ये क्लिफ्टन पे बड़ा अच्छा सा पार्क है और काफ़ी बड़ा भी, और आप यहाँ नज़ारे भी कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, मतलब सी व्यू बीच के यहाँ पे बैठ के। आप अगर आपको सी व्यू के मतलब बीच के अंदर नहीं जाना, सिर्फ नज़ारे करना है, तो आप यहाँ बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे ग्रास वगैरह भी है, आप वहाँ बैठकर भी मतलब के पिकनिक मना सकते हैं और यहाँ से सी व्यू के बैठ के नज़ारे भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत सा एक पार्क है और ये काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ पर झूले भी हैं बच्चों के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी फैमिलीज इस पार्क में आती हैं। और आई थिंक टिकट भी लगता है, लेकिन टिकट चीप है। हमने यहाँ बैठ के समोसे खाए, केक खाया, चाय पी, और काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे रहे थे। तकरीबन मगरिब तक हम लोग यहाँ बैठे थे और काफ़ी अच्छा लगा इस पार्क में आकर, बिकॉज़ वहाँ तो बड़ा क्राउडेड था। सी व्यू के वहाँ पर जो इन लोगों ने पार्क शायद बनाया था, वो बड़ा क्राउडेड था, तो हमने यहीं बैठ के चाय इन्जॉय की कैप्टन फरहान शहीद पार्क में। और ये केक भी बड़ा मज़े का था, प्लेन केक। और इसके बाद गाइज हम लोग चले गए कबाब जीज के हॉरर कैफ़े, और हॉरर कैफ़े में क्या क्या हुआ वो आप देखते जाइए। वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी कुछ बड़े मज़े के सीन्स अपलोड किए हैं, आप वहाँ भी ज़रूर जाके वॉच करिएगा। और यहाँ पे एक नन बड़ी ख़तरनाक यहाँ पे बैठी हुई थी, अभी फ़िलहाल नहीं शो हो रही इधर, पर वो भी सामने आ रही थी, तो बड़ा हॉरर लग रहा था। हॉरर कैफे ये मेरे पीछे है और अभी हम यहाँ एंटर होंगे, स्टे ट्यून्ड। उसको मजा है वीडियो में ना, एक मिनट में ऐसा Yeah.
नहीं।